पिंजौर के पिंजौर गार्डन में शुरू हुए दो दिवसीय 12वें पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल का देर शाम विधिवत समापन हो गया। महोत्सव में विशिष्ट लोगों ने शिरकत की। महोत्सव में बुनकरों हस्तशिल्पकारों ने अपनी कला का बखूबी प्रदर्शन किया और इस दौरान लोगों ने उनके उत्पादों को सराहा और खरीदा भी। इसी प्रकार एक स्टॉल में अनूठे पुराने व दुर्लभ सिक्कों और टिकटों का प्रदर्शन किया, जो आकर्षण का केंद्र रहा। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान गिद्दा, भांगड़ा और घूमर, हिमाचली नाटी, नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला के डांसर्स ने राइविंग परफॉर्मेंस दी। महोत्सव में एक व्यवस्थित शिल्प बाजार भी स्थापित किया गया था, जिसमें लोगों ने जमकर खरीदारी की और इसी प्रकार फूड कोर्ट में लोगों ने विभिन्न व्यंजनों का स्वाद चखा। हमारी इच्छा है कि हम इसको और आगे इस पूरे, चाहे यादवेंद्र गार्डन की बात है और चाहे आसपास की बात है, हम चाहते हैं कि इसमें टूरिज्म को और बढ़ावा मिलना चाहिए। अभी इस प्रकार की एक पॉलिसी सरकार बनाने जा रही है कि अगर घर में ठहरने के लिए टूरिस्ट आता है तो उसके लिए घर में ठहरने की भी हम एक नई व्यवस्था करने जा रहे हैं कि कोई भी आदमी अपने घर पर भी इस प्रकार की व्यवस्था कर सकता है। उससे एक लाभ होगा कि हमारे लोगों की आमदनी बढ़ेगी। हमारा उद्देश्य केवल कोई होटल चलाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है लोगों को इसकी ओर आकर्षित करना, हरियाणा की संस्कृति के बारे में लोगों का जानना। और जानने के लिए वो मेरे ख्याल के लोगों के बीच में अगर जाएंगे, वहाँ पे ठहरेंगे, उन्हीं के साथ खाएंगे, उन्हीं के साथ उनके समाज के बीच में जाके अगर जानकारी लेंगे तो उनकी जानकारी ज़्यादा बढ़ेगी और मैं समझता हूँ इसके वजह से उनका आकर्षण भी बढ़ेगा और उनके खर्चे भी घटेंगे। होटलों में शायद उनको ज़्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो संपन्न लोग हैं वही टूरिज्म करें, जो आम आदमी है वो भी चाहता है तो उसको अच्छी सुविधाएं मिल जाए और कम पैसे में मिलेंगी तो निश्चित तौर से ज़्यादा पर्यटक उसमें आएंगे और उस जानकारी को लेंगे, इसको जानेंगे और जो प्रकृति है उसको देखेंगे और प्रकृति के प्रति जो जो लोगों का प्रेम बढ़ेगा तो मैं समझता हूँ जो हमारी समस्या आज पर्यावरण की है, दूसरी समस्या है, तो उनका भी समाधान उससे होगा जब उसके प्रति लगाव होगा। ये केवल कोई डिपार्टमेंट का काम नहीं है, केवल के फॉरेस्ट का काम है या किसी का काम है, क्योंकि ये प्रकृति अगर सुरक्षित रहेगी, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो उसके लिए जरूरी है कि हमारा टूरिज्म बढ़ना चाहिए, उसमें ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा लोग जानकारी देंगे तो निश्चित तौर से उससे हमें लाभ मिलेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे अधिकारीगण जो हैं वो बड़ी गंभीरता के साथ इस कार्य में लगे हुए हैं और निश्चित तौर से हमें इसमें सफलता मिलेगी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।